जुलूस की दहाड़ समंदर में भारत माता की जय जयकार। भारतीय नौसेना के जांबाज ने सोमालिया तट पर रचा इतिहास। देश के सबसे खतरनाक जांबाजों का खतरनाक ऑपरेशन। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि समंदर में दुश्मन को ढेर करने वाले सैनिकों का एक्शन है। और ये सैनिक है मार्कोस, नाम तो सुना ही होगा। जब ये दहाड़ता है तो दुश्मन उठता नहीं, उठ ही जाता है। मार्कोस को दुश्मन आग दिखाएगा तो घर तो छोड़िए, पानी में भी ढेर हो जाएगा। समंदर में मार्कोस के जांबाजों की दहाड़ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो आज हम ऐसे कमांडोज के बारे में बताएंगे जो अमेरिका और ब्रिटेन से भी ज्यादा खतरनाक हैं। मार्कोस कमांडोज ने ऐसा क्या किया जिससे दुनिया उनकी कायल हो गई? ये जानने से पहले कमांडोज कितने घातक होते हैं और दुनिया में इनका क्या स्थान है, जरा उसे देखते हैं। 1987 में इलीट कमांडो फोर्स मार्कोस का गठन हुआ। मार्कोस इंडियन नेवी की तेज तर्रार खास यूनिट है। ये पानी में स्पेशल ऑपरेशन चलाने में माहिर है। आतंकवाद विरोधी अभियान में ट्रेंड किए जाते हैं। जल, जमीन और हवा में घातक ऑपरेशन चलाने में माहिर हैं। मार्कोस उन सैनिकों से बना बल है जिसकी ट्रेनिंग सबसे कठिन होती है। इसके काम करने का तरीका अमेरिका के एलिट नेवी सील से भी खतरनाक है, जिसने समुद्र में पायरेसी की कई कोशिशों को नाकाम किया। लेकिन आज के वक्त में मार्कोस को सील से भी बहुत तेज माना जाता है। 10,000 नौसैनिकों में से कोई एक सैनिक ही मार्कोस कमांडो में शामिल होता है। कमांडोज को ऐसी दक्षता होती है कि पानी में कई मिनटों तक सांस रोककर जिंदा रह सकते हैं। ये कीचड़ में ऐसे छुप सकते हैं कि दुश्मन को नजर भी ना आए। इन्हें आधुनिक हथियारों से लेकर हेलीकॉप्टर और जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो हाथ पैर बंधे होने पर भी तैर सकते हैं। दुनिया की 10 सबसे घातक कमांडोज में एक मार्कोस कमांडो चौथे स्थान पर आते हैं। पहले स्थान पर अमेरिका नेवी के सील्स कमांडोज होते हैं। दूसरे नंबर पर ब्रिटिश नेवी के स्पेशल एयर सर्विस के कमांडोज होते हैं। तीसरे नंबर पर अमेरिका के डेल्टा कमांडोज होते हैं। चौथे नंबर पर रूस की स्पर्शनाथ कमांडो होते हैं और पांचवें नंबर पर भारत के मार्कोस कमांडो होते हैं। तो चलिए अब मार्कोस कमांडो के लेटेस्ट ऑपरेशन की भी बात कर लेते हैं। सबकी निगाहें उस वक्त समंदर की ओर गड़ गईं जब खबर आई कि अरब सागर में कार्गो शिप नॉरफोक को हाईजैक कर लिया गया। ये करतूत सोमालियाई आतंकियों की है जिन्होंने अपना काल अपने हाथों से ही बुला लिया। वो भूल गए कि भारतीय नौसेना के पास चीते जैसी रफ्तार, बाज जैसी नजर वाले मार्कोस कमांडोज हैं। अब जब बात मुसीबत में फंसे भारतीयों की हो तो उनकी दहाड़ से अच्छे अच्छे कांप उठते हैं। ऐसा ही इस ऑपरेशन में भी हुआ, क्योंकि अगवा की गई शिप में 15 भारतीय समेत 21 क्रू सदस्य सवार थे जिनकी जान दांव पर थी। ये खबर आग की तरह फैली तो भारतीय नौसेना की मार्कोस टीम ने मोर्चा संभाल लिया। बिना देरी करते हुए मार्कोस कमांडर ने समंदर में दुश्मन को ढेर करने के लिए जाल बिछाया। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, चलिए ये भी बताते हैं। समंदर में हाईजैक विमान को छुड़ाने के लिए मार्कोस उतारे गए। एक युद्धपोत, समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर भी उतारे गए। P-8I लंबी दूरी के विमान रेडेटर, MQ-9B ड्रोन उतारे गए। मार्कोस ने इन्हीं हथियारों के साथ समंदर में दुश्मन को ढेर किया, अगवा शिप को छुड़ा लिया, समंदर में भारत की ताकत दिखाकर भारत माता की जय का झंडा गाड़ दिया। मार्कोस की ताकत देखकर पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। कहा जाता है सर पर काला पट्टा बांधे कमांडोज यमराज को भी मात देकर आगे बढ़ते हैं। मार्कोस कमांडर को पानी में मौत को मात देने की महारत हासिल है। इन लोगों को समंदर का सिकंदर कहा जाता है। खास बात तो ये है, मार्कोस कमांडो को होस्टेज रेस्क्यू, पर्सनल रिकवरी जैसी कई मुहिम में शामिल किया जा चुका है। कैसे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तो ये भी बता देते हैं। ट्रेनिंग में मार्कोस से कठिन काम करवाए जाते हैं। मार्कोस के लिए चुने गए सैनिकों की ट्रेनिंग 3 सालों के लिए होती है। 24 घंटे में से मात्र 4 से 5 घंटे ही सोने के लिए मिलता है। कई मीटर की ऊंचाई से कूदना, गहरे पानी में लंबे समय तक टिके रहना ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। कीचड़ में कई मीटर तक दौड़ना, ये सब उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। आगे की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में नेवी सील के साथ ट्रेनिंग दी जाती है।
26/11 के मुंबई हमलों में मार्कोस ने अपनी ताकत दिखाई। 1987 से अब तक मार्कोस को कई बड़े बड़े ऑपरेशन में तैनात किया गया। पहली बार मार्कोस की तैनाती 1990 के दशक में वुलर झील में की गई थी। 1987 में हुए पवन ऑपरेशन को मार्कोस कमांडो ने ही सफलता दिलाई। 1988 में कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में ताशा ऑपरेशन में सफल रहे। 1992 में जबरदस्त ऑपरेशन, 1999 में कारगिल वॉर में मार्कोस शामिल रहे। 2008 में ब्लैक टॉर्नेडो नाडो ऑपरेशन और 2015 में हुए राहत ऑपरेशन मार्कोस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। 1980 के दशक के अंत में मार्कोस ने श्रीलंकाई गृहयुद्ध के बीच महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया।